हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक यूजेस ऑफ डायमंड। प्रीवियस क्लास में हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, देन ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। आज हम डिस्कस करेंगे डायमंड के यूजेस, ग्रेफाइट के यूजेस एंड कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप दैट इज बकमिंस्टर फुलरेंस। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर यूजेस ऑफ डायमंड से। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस। हमें पता है कि जो डायमंड होता है, ठीक है, वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। और हार्डेस्ट क्यों? क्योंकि डायमंड के अंदर स्ट्रांग पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिजिड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये डायमंड को एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस बनाता है। इसीलिए डायमंड किन किन चीजों के लिए यूज होता है? ग्लास कटिंग करने के लिए, ड्रिलिंग होल्स ऑन अर्थ या कटिंग ऑफ मार्बल्स के लिए हम डायमंड को यूज करते हैं। ये था डायमंड का फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज होता है, अब देखो डायमंड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, इसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की और रिफ्रेक्ट करने की, इसीलिए डायमंड ज्वेलरी मेकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट होता है, क्योंकि डायमंड जो होता है इसके एजेस बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, डायमंड के एजेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, इसलिए इसको आई सर्जन यूज करते हैं आंखों में से कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होता है, अब हमने अभी तक देखा कि डायमंड हमें नेचुरली अर्थ में से मिलता है, लेकिन हम डायमंड को आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिन डायमंड्स को हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं उनको हम मैन मेड डायमंड्स भी कहते हैं, या फिर हम उनको सिंथेटिक डायमंड्स भी कहते हैं। अब सिंथेटिक डायमंड्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं? जब हम कार्बन को बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रखते हैं तो हमें सिंथेटिक डायमंड मिलता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं इनका साइज नेचुरल डायमंड से छोटा होता है, ठीक है, अदरवाइज इनको आप नेचुरल डायमंड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा, बस साइज में फर्क होता है कि इनका साइज बहुत छोटा होता है। और सिंथेटिक डायमंड से हम कटिंग, बोरिंग या फिर ड्रिलिंग का काम नहीं कर सकते, कटिंग, बोरिंग एंड ड्रिलिंग जो होते हैं सिंथेटिक डायमंड से पॉसिबल नहीं होती। तो ये थे डायमंड के यूजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ओके, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, तो उसमें हमने देखा था कि ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। अब सॉफ्ट एंड स्लिपरी इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हेक्सागोनल की जो लेयर्स होती हैं वो काफी डिस्टेंस पर होती हैं, और ये जो दोनों लेयर्स क्या करती हैं, इनके बीच में क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जिनको हम वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्लिपरी होता है टच करने में। इसीलिए हम पाउडर्ड ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं मशीन पार्ट्स में, यानी जो मशीन पार्ट्स मूविंग होते हैं उनकी लुब्रिकेशन के लिए हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं। सेकेंड होती है प्रॉपर्टी की, ग्रेफाइट जो होता है नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब ये वेपोराइज नहीं हो पाता, इसीलिए हम ग्रेफाइट को उन मशीन पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए यूज करते हैं जो कि ऑपरेट होते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर ये क्या होगा, वेपोराइज नहीं होगा, इसलिए हम इनको लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं फॉर अ मशीन पार्ट जो कि हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। थर्ड आता है कि जो ग्रेफाइट होता है लेड ऑफ अ पेंसिल बनाने के लिए काम आता है। अब लेड ऑफ अ पेंसिल जो होती है, पेंसिल की लेड होती है, वो लेड से नहीं बनी होती, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और ग्रेफाइट में हम क्ले को जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो लेड ऑफ अ पेंसिल के लिए हम ग्रेफाइट में क्ले मिक्स करते हैं, जिससे क्या बनती है, लेड ऑफ पेंसिल बनती है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेफाइट हमें पता है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट का टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन जो होता है नेक्स्ट अदर थ्री कार्बन एटम्स के साथ लिंक होता है, तो यहां पर क्या होता है, जो कार्बन एटम का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो फ्री टू मूव होता है, इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए ग्रेफाइट को हम कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली जैसे ब्लैक कलर का जो एनोड होता है जो कि ड्राई सेल में यूज होता है, उनके अंदर भी ग्रेफाइट यूज किया जाता है फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो ये थे ग्रेफाइट के यूजेस।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड एलोट्रॉप था कार्बन का, डेट इज बकमिंस्टर फुलरेंस। ओके, नेक्स्ट जो कार्बन का एलोट्रॉप होता है वो होता है बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस को हम बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। सो बकमिंस्टर फुलरेंस या बकी बॉल क्या है? एक कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C60। C60 का मतलब है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये किससे बना हुआ है? 60 कार्बन एटम से बना हुआ है। यानी कि जो बकमिंस्टर फुलरेंस है या बकी बॉल है, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स है? 60 कार्बन एटम्स हैं जो आपस में जॉइन है और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। तो जो बकी बॉल की जो शेप होती है ना, वो फुटबॉल की शेप होती है, कुछ इस तरीके से हमें ये दिखने को मिलता है, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरेंस में कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन एटम होते हैं जो आपस में जॉइन होते हैं और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और ये कैसा दिखता है? फुटबॉल की शेप की तरह ये दिखता है। अब ये जो 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ये आपस में जॉइन होते हैं, ठीक है, और ऐसे रिंग्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो रिंग्स होते हैं, इसमें 20 तो हेक्सागन रिंग्स होते हैं। हेक्सागन इनकी 6 साइड होती हैं और 12 पेंटागन रिंग्स होते हैं, ठीक है। और इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर 20 हेक्सागनल रिंग्स हैं, ठीक है, तो एक हेक्सागन में 6 कार्बन होते हैं, तो 20 हेक्सागन में कितने हो गए? 120 कार्बन हो गए, ठीक है। अब अगर हम पेंटागन देखें तो 12 पेंटागन रिंग्स हैं और एक पेंटागन के अंदर कितने कार्बन है? 5 हैं, तो कितने हो गए? 60 हो गए, 60 कार्बन ये हो गए। और क्योंकि ये आपस में क्या है, ये देखो, हेक्सागन रिंग कितनी है? 20 हेक्सागन रिंग है और एक हेक्सागन में 6 कार्बन होते हैं, तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पर? 120 कार्बन हो गए, ठीक है। उसी तरह 12 पेंटागन रिंग है, पेंटागन की 5 साइड्स होते हैं, तो 5 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर 60 कार्बन हो गए, ठीक है। अब क्योंकि ये जो रिंग्स है आपस में इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है बाय सिंगल बॉन्ड और बाय डबल बॉन्ड, तो हम 120 में से जब 60 माइनस करेंगे तो हमें 60 ही तो मिलेंगे। इसीलिए कार्बन कितने होते हैं? 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि आपस में इंटरलिंक होकर 20 हेक्सागनल रिंग्स और 12 पेंटागन रिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो बकी बॉल्स थे या बकमिंस्टर फुलरेंस थे, इनको डिस्कवर किया था एक अमेरिकन आर्किटेक्ट ने, जिसी के नाम पर ये नाम पड़ा था, डेट इज बकमिंस्टर फुलर। तो उस अमेरिकन आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर, इसी के नाम पे इस मॉलिक्यूल का नाम पड़ा था, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो, जो बकमिंस्टर फुलरेंस होता है, अब जैसे डायमंड था या ग्रेफाइट था, ये भी एलोट्रॉप था कार्बन का, लेकिन ये बहुत ज्यादा जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जो हमारा बकी बॉल होता है ना, ये एक बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो केवल 60 कार्बन एटम्स से मिलकर बना है, ठीक है। अब जैसे डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड था या ग्रेफाइट सॉफ्ट था, लेकिन जो ये बकी बॉल्स होते हैं, ये ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। रूम टेम्परेचर पर ये डार्क सॉलिड की तरह ही रहते हैं। और अगर जैसे कि क्योंकि ये कार्बन का ही कंपाउंड है, तो अगर हम इन्हें एयर में बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि जो बकी बॉल्स होते हैं, ये भी किससे बने होते हैं? कार्बन एटम से ही बने हुए हैं, ठीक है। और इसकी आगे की, क्योंकि ये बहुत अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी और प्रॉपर्टीज अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं करी गई है, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन और चल रही है, ठीक है। तो यहां पर हम खत्म करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमने डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में स्टडी किया। ओके, तो आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।